अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से। इस यूनिट का पार्ट ए पार्ट बी और डी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सी का ही हमारा लास्ट टॉपिक है आज, इसके बाद हम पार्ट डी स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट सी में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे TQM के बारे में। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर हम जानेंगे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन के बारे में। इज इट क्लियर? ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि TQM का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। इज इट क्लियर कि तीन लोगों ने मिलके दिया था। पहला है आपके डेमिंग, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। दूसरा है आपके जोसेफ एम ज्यूरन। और तीसरे है आपके अरमांड वी फेजनबॉम, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अरमांड वी फेजनबॉम, ठीक है। तो इन तीन लोगों ने मिलके अपन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। इज दैट क्लियर? अब हम जानेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे। और क्वालिटी भी कैसी? टोटल क्वालिटी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज TQM इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी कि मैनेजमेंट में जब हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए होती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस कब मिलेगी? जब हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उन प्रोडक्ट के थ्रू हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। इस टाइप क्लियर? आपको ये याद रखना है कि जब भी हम TQM की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब क्या है, TQM कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। TQM हम हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर जो हम ये समझें कि हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में हम TQM का यूज कैसे करेंगे? तो हम एजुकेशन में अपने इंस्टीट्यूशन में कॉलेज को अच्छा बनाने के लिए, कॉलेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए भी हम TQM का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहीं पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो आपका TQM है ये जापानीज वर्ड है, ठीक है। ये कैसा वर्ड है? जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है काइजन, काइजन, ठीक है। तो TQM इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स काइजन, और काइजन का मतलब क्या होता है? चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर गुड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यानी कि अच्छे के लिए परिवर्तन, ठीक है। काइजन का मतलब क्या है? अच्छे के लिए परिवर्तन है, चेंज फॉर गुड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चेंज फॉर गुड, तो पूरा TQM जो है आपका चेंज फॉर गुड के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ टिपिकल TQM मैनेजमेंट अडॉप्ट्स एन ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी एंड कंसंट्रेट्स ऑन प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट डिफेक्ट्स एंड प्रोसेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें, तीन चीजों की हमने बात की। एक हमने बात की प्रोसेस प्रॉब्लम्स की, प्रोसेस प्रॉब्लम्स की। दूसरी हमने बात की प्रोडक्ट डिफेक्ट की, प्रोडक्ट डिफेक्ट की। और तीसरी हमने बात की प्रिवेंशन की। यानी कि जो आपका TQM है ये बात करता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके प्रोसेस में कोई भी गलती ना हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको डिफेक्टिव डिफेक्ट से बचाने के लिए उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उस पे कंसंट्रेट करना, यही क्या है? TQM का काम है। इज इट क्लियर?
अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है जो एडवर्ड डीमिंग ने दी है, क्या है TQM, क्या है? इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कमिटेड टू द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिस पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये की पॉइंट है TQM से रिलेटेड, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, टीम वर्क प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इज इट क्लियर? अभी जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, हमने यही डिस्कस किया कि जो आपका TQM है ये कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे होगा कि सपोज कि अगर जो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट के बनाने के दौरान जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस के हर एक स्टेप पे, है ना, हर एक स्टेप पे हमें क्या करना है, उसको इंप्रूवमेंट करना। जो भी गलतियां आ रही है वहीं पे आप डिलीट करिए, वहीं पे उसका इंप्रूवमेंट करिए, टीम वर्क के साथ साथ काम करिए, जिससे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, और जब क्वालिटी मेंटेन रहती है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो आपका TQM का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये हर एक स्टेप पे इंप्रूवमेंट की बात करता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात आपका करता है TQM। दूसरा, टीम प्रोसेस की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो की पॉइंट्स है, अगर जो ये आप याद रखेंगे तो आप कभी भी TQM से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कैटेगरीज ऑफ TQM की। कैटेगरीज ऑफ TQM का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसको जो है वो थ्री, मतलब फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि जो TQM है आपका, ये फोर कैटेगरीज में काम करता है, फोर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। और वो फोर कैटेगरीज कौन सी है? पहले है आपकी प्लानिंग फेज, दूसरी है आपकी डूइंग फेज, तीसरी है आपकी चेकिंग फेज, और चौथी है आपकी एक्टिंग फेज। अब प्लानिंग फेज का मतलब यहाँ पे क्या है? प्लानिंग फेज में क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आप सपोज एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको सुनिश्चित करने का काम प्लानिंग फेज के अंदर आता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी नीड्स, उनकी नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया जाता है प्लानिंग फेज में, जिससे होता क्या है कि जो भी प्रोडक्ट या बन रहा है उसमें जो भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है वो उसी प्लानिंग फेज में ही हो जाए, ताकि नेक्स्ट फेज में जो प्रॉब्लम्स प्लानिंग फेज के दौरान फेस की जा रही हैं वो कैरी आउट होके डूइंग फेज में ना आए। इज इट क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, प्लानिंग फेज में नीड्स थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए जो भी पॉलिसीज या जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स का टोटल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका डूइंग फेज में किया जाता है। सिंपल सा आपको याद रखना, प्लानिंग फेज में हम प्लान करेंगे, डूइंग फेज में जो भी हमने प्लान किया है उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि प्लान यानी कि काम प्रोसेस में चल रहा है। तीसरा फेज आता है आपका चेकिंग फेज। चेकिंग फेज में क्या आता है कि प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो नीतियां या जो समाधान का वास्तविक एवं संपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी समाधान है, जो समाधान किए गए हैं, जैसे कि प्लानिंग फेज में हमने ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया, डूइंग फेज में हमने उन सारी चीजों को सॉल्यूशन किया, अब जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो हमने सॉल्यूशन दिया है, चेकिंग फेज में उसका क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब मूल्यांकन करने के बाद हमने क्या किया, हम आ गए एक्टिंग फेज में। एक्टिंग फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनका लेखा जोखा,
ठीक है, लेखा जोखा रखने के साथ जो भी हमारी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं इन एक्टिंग फेज। इज इट क्लियर? आई होप आपको कैटेगरीज ऑफ टीक्यूएम समझ में आ गई होंगी। पहली कैटेगरी है प्लानिंग फेज, दूसरी कैटेगरी है डूइंग फेज, तीसरी है आपकी चेकिंग फेज और चौथी है आपकी एक्टिंग फेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी द मेन आइडियाज ऑफ TQM। ये जो है आपका मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि TQM का मेन काम ही क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखिए क्या लिखा है, टू डू इट द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को हमें पहले ही अटेम्प्ट में फर्स्ट स्टेप में ही उसको सही बनाना है। इज दैट क्लियर? दूसरा है बी कस्टमर सेंटर्ड, यानी कि हमेशा जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं हम हमेशा कस्टमर को सेंटर में रख के बनाते हैं, है ना। तो जब कोई भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेंटर में रख के बनाओगे तो वो प्रोडक्ट हमेशा अच्छा बनता है। इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है कि TQM का मेन जिस्ट आप कह सकते हैं ये स्लाइड है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें उस चीज को बेटर बनाना है, अच्छा बनाना है, सही बनाना है। दूसरा यह है कि हमें हमेशा कस्टमर को सेंटर में रखना है। तीसरा है मेक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट अ वे ऑफ लाइफ, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि TQM हमेशा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे बात करता है ना। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को हमेशा हमें क्या करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना। अगर जो आज हमने एक चीज बहुत अच्छी बनाई है तो सेकेंड डे हमें उसपे और बेहतर करना है, थर्ड डे हमें उसपे और बेहतर करना है, फोर्थ डे हमें उसपे और बेहतर करना है। तो TQM इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। उसके बाद आपका फोर्थ है बिल्ड टीम वर्क एंड एम्पावरमेंट, हमेशा टीम वर्क के साथ ही काम करना है ना। टीम वर्क के साथ काम करने का मतलब क्या है कि जो हम आपका TQM है ये सबको लेके चलने की बात करता है, इसीलिए यहाँ पे टीम वर्क की बात की गई। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड। अब अभी तक हमने TQM का कॉन्सेप्ट समझा, अब हम ये जानेंगे कि जो आपका TQM है यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपके सिलेबस में क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस भी दिया हुआ है, तो वो चीजें हम इसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये पिरामिड याद रखना है कि हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं। अब अगर जो आप प्रोडक्ट का हमेशा एग्जांपल लेके चलिए, अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को कैसे लेके चलेंगे, पहले उसका हम इंस्पेक्शन करते हैं, है ना। ये यहाँ पे आ जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं उसका इंस्पेक्शन करते हैं, दूसरे पॉइंट पे हम क्या करते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तीसरे पे क्या करते हैं हम क्वालिटी एश्योर करते हैं, और चौथा क्या आता है आपका TQM आता है। तो इस तरीके से TQM का इवोल्यूशन हुआ, पहले हमने इंस्पेक्शन किया, फिर क्वालिटी कंट्रोल आया, फिर क्वालिटी एश्योरेंस आया, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया। इज इट क्लियर? यहां से इस वेन डायग्राम से भी आप याद रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्शन की। अभी जो चीजें हमने आपको स्लाइड में बताई अब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि तो जो भी हमने पीछे स्लाइड डिस्कस की है जिसमें हमने इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया, वहीं उसी को हमने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। तो इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक लेवल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या है, दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक लेवल ऑफ TQM इवोल्यूशन। इट इंक्लूड्स मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। इंस्पेक्शन फोकसेस ऑन द एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, टेस्टिंग, ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, टेस्टिंग, असेसमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी एंड कंपेयर देम विद द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स टू असेस इट्स कंफॉर्मिटी। इज इट क्लियर? यानी इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेस्ट करते हैं, उसको असेस करते हैं, है ना। एक हमेशा एक स्टैंडर्ड बना होता है, क्राइटेरिया बना होता है, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में उस प्रोडक्ट को हम इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट सही है
उसको हमने असेस कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका इंस्पेक्शन का पोर्शन होता है। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है, क्वालिटी कंट्रोल फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल, ये बात करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की। सपोज इंस्पेक्शन में जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका पास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्वालिटी कंट्रोल में जो क्वालिटी बनी हुई है उसे वो क्या करना है, हमें कंट्रोल करके रखना है कि क्वालिटी हमारी खराब ना हो। तो ये क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। सिंपल सा ये फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उसको मेंटेन रखना है उस क्वालिटी को। दूसरा है, तीसरा है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, फोकस ऑन प्रीमेरली ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस पे फोकस करता है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज कंटेन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्क्राइब इन द प्रोसीजर्स, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू एक प्रोडक्ट बनाया गया है उसी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल जो आपका क्वालिटी एश्योरेंस है ये प्रोसेस की बात करता है ना। उसके बाद आता है आपका TQM। TQM क्या है, TQM फोकसेस ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज वन प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज फोर मेन स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ TQM। TQM जो है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सबको अपने साथ समेट के चलता है, इसीलिए चौथे नंबर पे आता है। इज इट क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पहला है फोकस ऑन कस्टमर। अभी हमने बात की कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कस्टमर पे फोकस करता है। दूसरा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अभी हमने बात की थी टीम वर्क की, ठीक है। तो टीम वर्क के साथ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है, हर एक एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है एक प्रोडक्ट के साथ। दूसरा है प्रोसेस सेंटर्ड। फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि हर एक स्टेप पे है ना, जो भी प्रोसेस हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस पे फोकस करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रोसेस सेंटर्ड बोला गया। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि अभी हमने बात की क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी एश्योरेंस की, इंस्पेक्शन की। तो ये एक क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सबको साथ में लेके चलने वाला है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए TQM क्या है आपका, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। फिर है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अभी हमने बात की कि हर एक स्टेप पे हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। सपोज आज हमने एक प्रोडक्ट बनाया वो बहुत अच्छा है, फिर दूसरे दिन उस प्रोडक्ट में और हमें क्या अच्छा करना है, फिर तीसरे दिन और हमें क्या अच्छा करना है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है। कम्युनिकेशन, जो कि हर एक चीज में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कम्युनिकेशन पे भी फोकस करता है। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के बेसिस पे जो है वो TQM आपका डिसीजन लेता है। फिर स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच क्यों, क्योंकि हर एक ये प्रोसीजर पे बात कर रहा है, प्रोसीजर को फॉलो करने की बात कर रहा है, इसलिए क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो यह है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन है आपका 4 P's एंड 3 C's ऑफ टोटल क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। तो 4 P's क्या है आपके, 4 P's है आपका प्लानिंग, परफॉर्मेंस, पीपल और प्रोसेस। ये सारी चीजें हमने TQM में कहीं ना कहीं डिस्कस की। प्लानिंग आपको ऑलरेडी पता है, परफॉर्मेंस यानी कि हमेशा रिजल्ट पे कैसा प्रोडक्ट बना है परफॉर्मेंस की बात करता है, पीपल की बात करता है और प्रोसेस की बात करता है। तो ये क्या है आपके 4 P's हैं TQM के, ये आपको याद रखना है। और फिर 4 C's कौन से हैं, कल्चर, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट। ये क्या है आपके 3 C's हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, कल्चर, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट। और 4 P's कौन से हैं, प्लानिंग, प्रोसेस और पीपल। इज इट क्लियर। तो जो व्हाइट से लिखा हुआ है ये आपके हैं 3 C's, और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो है आपके 4 P's। इज इट क्लियर। तो आई होप आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट समझ में आया होगा। जहां पे भी कुछ ना समझ में आया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अगर जो हम समअप करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी डिफेक्ट्स हैं एक प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में जो भी डिफेक्ट्स हैं, उनमें कॉज
कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उस फाइनल प्रोडक्ट को और अच्छा बेहतर कैसे बनाना है जिससे कस्टमर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये क्या है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसी चीज पे काम करता है। ठीक, अगर जो हम बात करें एजुकेशन की तो इसको हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज क्या है कि एजुकेशन में क्वालिटी की कमी आ रही है, तो क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, तो हम TQM के हेल्प से क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब TQM क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अब इस TQM को आप एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो आप पढ़ने के बाद उसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं कि अब आपको एजुकेशन की फील्ड में कैसे और इम्प्रूवमेंट लाने हैं, कैसी पॉलिसीज बनानी है, क्या आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना, हर एक स्टेप पे आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप हम एजुकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो थैंक यू सो मच। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं हम इस यूनिट का लास्ट जो आपका पार्ट है पार्ट डी के साथ। थैंक यू।